नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हर्षिल और आप देख रहे हैं टेकमेट। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप किसी के भी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पिक्चर्स को डाउनलोड कर सकते हैं। आज तक आपने जितने भी यूट्यूब पे वीडियोस देखे होंगे वो सारे होंगे कि आप कैसे इंस्टाग्राम के जो टाइमलाइन पे या उसके फीड पे जो पोस्ट आते हैं आप उनको सेव कर सकते थे। पर आज की इस वीडियो में मैं आपको जो ट्रिक बताने वाला हूँ वो ट्रिक बिना किसी ऐप्स के या फिर बिना किसी रूटीन के ही अपने फ़ोन के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल ट्रिक है जिसकी मदद से आप इंस्टाग्राम के प्रोफाइल पिक्चर्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप ये सब कर सकते हैं और वो भी बड़ी ही आसानी से। तो आपको अपने फ़ोन पे इंस्टाग्राम को ओपन करना होगा। तो यहाँ पे मैंने इंस्टाग्राम को ओपन कर लिया है। तो आप देख सकते हैं कि जो हमें रेगुलर पोस्ट मिलती है या फिर रेगुलर जो फीड मिलती है हमारे इंस्टाग्राम पे, मान लीजिए कि मुझे इस पेज का जो भी प्रोफाइल पिक्चर है उसे अगर डाउनलोड करना है तो मुझे सबसे पहले उसके प्रोफाइल के अंदर जाना होगा और यहाँ पर मुझे जो एक मेन्यू मिल जाता है कॉर्नर में, उसके ऊपर क्लिक करना होगा और यहाँ पे मुझे कुछ ऑप्शंस मिल जाएंगे। अब यहाँ पे मुझे थर्ड ऑप्शन आप जो देख पा रहे हैं कॉपी प्रोफाइल यूआरएल, उसके ऊपर क्लिक करना होगा। तो ये जो यूआरएल होगा उसे कॉपी कर लेगा। यहाँ पे मैं गूगल क्रोम यूज़ कर रहा हूँ, अगर आप चाहते हैं तो आप किसी भी ब्राउज़र पे इसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले अपने ब्राउज़र के ऊपर जाना होगा और यहाँ पे आपको जो यूआरएल का सेक्शन मिल जाता है यहाँ पे आपको उस यूआरएल को पेस्ट कर लेना होगा। तो यहाँ पे हमने उस यूआरएल को पेस्ट कर लिया है। तो अब आप देख सकते हैं कि जो पूरा पेज यहाँ पे इंस्टाग्राम का आ चुका है जो हमने एप्लीकेशन पे देखा था। तो अगर आपको किसी के भी प्रोफाइल पिक्चर को डाउनलोड करना हो तो आपको उसके प्रोफाइल पिक्चर के ऊपर क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। अब आपको जो दो टॉप पे जो ऑप्शंस मिल जाते हैं, फर्स्ट है सेव इमेज, उसे सेव इमेज को क्लिक कर लेना है। तो आप देखेंगे कि डाउनलोडिंग यहाँ पे स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे मैंने इस फाइल को डाउनलोड भी कर लिया है। तो आप देख सकते हैं कि जो प्रोफाइल पिक्चर था वो यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। तो दोस्तों, आप इस ट्रिक की मदद से किसी के भी प्रोफाइल पिक्चर को इंस्टाग्राम से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। आपको ना ही अपने फ़ोन के ऊपर रूटिंग की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही आपको अपने फ़ोन के ऊपर किसी ऐप को भी इंस्टॉल करना होगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद रखता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो और ट्रिक पसंद आई होगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारी चैनल टेकमेट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी प्रकार के वीडियोस रोज़ लाता रहता हूँ। तो अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।